आज 1 सितंबर है और सितंबर का पूरा महीना भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं, हम अपने आप से ज़रूर पूछें कि आखिरकार उस खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं और वो कौन से फूड आइटम्स पर मिलेंगे, इस विषय पर चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर शिवानी गिल्डियाल का। नमस्कार डॉक्टर साहब। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण विज्ञान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली से। नमस्ते, स्वागत है। स्वागत करते हैं डॉक्टर एलएच शेखावत का, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। तो डॉक्टर शेखावत, सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग के लिए खासतौर पर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम ज़रूर अपने डाइट में शामिल करें। जो सबसे पहले जो हम जिसका बात करते हैं, अभी काफ़ी उसके बारे में बात की भी जाती है, वो ओमेगा फैटी एसिड्स है। उसके अलावा अगर हम विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ ऐसे जो हर्ब्स से प्लांट जो एक्सट्रैक्ट हैं जो भी बहुत यूज़ होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा बॉडी का सेल का पावर हाउस कहा जाता है, उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो, क्योंकि जो पूरी बॉडी को हेल्दी करते हैं, कुछ जो हैं उनमें से ब्रेन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर शिवानी, जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, तो हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है जो भी हम चीज़ें खाते हैं? देखिए, जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क या मन पर भी असर डालता है, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये कंसेप्ट है कि हमारे खाने का एक छोटा अंश हमारे मन का पोषण करता है और मन हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। इन सब के कारण हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो जरूर प्रभावित होगा। इसीलिए आयुर्वेद में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का भी वर्णन है, जैसे गीता में भी बताया गया है कि आहार सात्विक भी होता है, तामसिक भी होता है, मानसिक भी होता है। तो कैसे समझे ये सात्विक क्या होता है, तामसिक क्या होता है? सात्विक आहार उसको, उस आहार को कहते हैं जो फ्रेश हमने बनाया, अगर हम आज की भाषा में कहें तो फ्रेश बनाया हुआ। मेनली जो फ्रेश आहार है, हमने तुरंत बनाया, हमने खा लिया, वो सात्विक है। अगर टेस्ट की बात करें तो मीठा जो स्वीट टेस्ट है उसको सात्विक आहार की तरफ लिया जाता है जी। और रासिक को अगर देखें तो जो खट्टा तीखा वो रासिक है, और तामसिक जो आजकल हम ज़्यादा खा रहे हैं पैक्ड फूड, इसके कारण मानसिक डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं जी। बिल्कुल, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात की थी, हम अक्सर ये अब सुनते भी हैं कभी मल्टीविटामिन लेने चले जाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है और ये किन फूड आइटम्स में मिलता है? फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड, बेसिकली जो ओमेगा फैटी एसिड्स है दो तरह से होते हैं, एक 6 और एक 3। अच्छा, तो जब भी हम कहीं लेने जाते हैं या कुछ देखते हैं, कहीं आपने मल्टीविटामिन का पैकेज देखा होगा, तो इम्पॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि 6 और 3 का, ओमेगा 6 फैटी एसिड और 3 का जो रेशियो है वो 4:1 होना चाहिए। ज़्यादा कौन सा? ओमेगा 6 फैटी एसिड और 3 फैटी एसिड। पर ओमेगा 6 फैटी एसिड जनरली हमारे खाने में हमें मिल जाता है। अच्छा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में 2 अच्छे फैटी एसिड्स हैं, एक है EPA और एक DHA। अच्छा। आपने देखा होगा DHA डोकोक्साहेक्सानोइक एसिड और आइकोसना पेंटेनोइक एसिड, इनका भी रेशियो होता है 2:1 EPA और DHA का रेशियो 2:1 होना चाहिए। अच्छा। अगर उस मल्टीविटामिन में देखें। Okay. अब इसका कितना यूज़ करना चाहिए, कितना काम में लेना चाहिए, जैसे डोज बहुत सारे हैं तो 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक लिखा हुआ है, पर एक सामान्यतया इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम अगर हफ्ते में एक बार या दो बार भी लेते हैं तो किसी खास एज ग्रुप के लिए, ये अगर वैसे बहुत सारे रिसर्च हुई है कि एल्डरली में अगर दें, हम वृद्धजनों को दें तो इससे कुछ फ़ायदा होता है, परंतु बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर हम देते हैं तो नहीं होता। पर क्योंकि ये रिसर्च बड़ा मुश्किल है करना, इनका फ़ायदा ज़रूर है अगर हम उनको, पर बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना ज़रूर चाहिए जी। फ्लेवोनॉइड्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा कहा जाता है, दावा किया जाता है कि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड है और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो ये क्या चीज़ है और किन किन चीज़ों में पाया जाता है, कैसा असर होगा इसका हमारे मस्तिष्क? अगर हम फ्लेवोनॉइड्स की बात करें तो जितना भी आप ग्रीन देखेंगे, मेनली जो हर्ब्स हैं, दे आर रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, और अगर फ्लेवोनॉइड्स का एक सिंपल वर्क हम समझना चाहें तो दीज आर गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारी बॉडी में वेयर टेयर चलता रहता है,
बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस चल रही हैं और वेयर टेयर हो रहा है, वहाँ पे हमारी बॉडी में ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इट मींस हमारी बॉडी का जो भी डैमेज है उसको रोकते हैं। तो कौन से फूड आइटम्स में मिलते हैं फ्लेवोनॉइड्स? फ्लेवोनॉइड्स जैसे हमारे आंवला है, इट इज़ ऑल्सो रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, अश्वगंधा इट इज़ ऑल्सो रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, आप जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं दे आर रिच इन फ्लेवोनॉइड्स। तो फ्लेवोनॉइड्स ग्रीन वेजिटेबल अगर हम लेंगे तो हमें रिच फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे और हमारा वेयर टेयर रुकेगा। इनफैक्ट आजकल कहा जाता है कि कुछ ग्रीन टीज आती हैं अवेलेबल है मार्केट में जिसमें कहा जाता है इनमें भी फ्लेवोनॉइड है, तो क्या ग्रीन टी में भी होता है? बिल्कुल, तो यानी ग्रीन टी पीना सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। ओके, लेकिन ये जो शब्द था एंटीऑक्सीडेंट जो डॉक्टर साहब ने बोला ये बहुत आता है, तो डॉक्टर साहब थोड़ा समझाइए एक साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव से कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की क्यों ज़रूरत है। क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जो जब कोशिकाएँ या सेल्स जो है मेटाबोलाइज करती हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, उसको एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कहते हैं। उसी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन भी होता है, इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये इसके साथ हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसमें ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है उसके लिए बहुत सारे विटामिंस मिनरल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस होता है, न्यूरोजेनेसिस जो भी नई लर्निंग होती है उसको बनाने के लिए सिनेप्सिस बनते हैं, उन सिनेप्सिस के लिए हमें बहुत सारे विटामिंस मिनरल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन सब की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई चाहता है डॉक्टर कि अपनी जो मानसिक शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, हमारी मेमोरी शार्प हो सके, तो क्या मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम रोज़ाना इस्तेमाल करें और हमारी मेमोरी शार्प हो जाए? हमारे जो डेली रूटीन का खाना है उसमें हमें देखना होता है, वैसे कहा जाता है कि 50% जो फूड है हमारा खाना वो उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, तो उन फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हमें देखना है और वैरायटीज़ होनी चाहिए, बार बार बदलते रहना चाहिए, एक ही तरह का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम जिंक आयरन छोटे छोटे केमिकल्स हैं जो बहुत बहुत ही कम मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है वो सब में थोड़े 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 होते हैं। जी बिल्कुल जी, कुछ फूड आइटम्स हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताएं, जैसे आजकल ऐश गॉड की बहुत बात होती है सफ़ेद पेठा, तो उसको किस रूप में लें और उसके फ़ायदे क्या हैं? एशगॉर्ड जिसको कि हम आयुर्वेद में कूष्मांड के नाम से कहते हैं और बोलचाल में सफ़ेद पेठा जैसे आपने कहा, कुछ लोग भतुआ कह के इसको यूज़ करते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली का प्लांट है जो कि समर्स में मेनली आता है, तो नेचर ने हमको गिफ्ट किया है क्योंकि समर्स में ये आता है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन पोटेंसी, तो बहुत ठंडा है तासीर में, और गर्मियों में इसको लेना स्पेशली बहुत ही अच्छा होता है। इसका जूस हम ले सकते हैं 30-40 ml एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, और बच्चे बुजुर्ग सब ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और स्पेशली किड्स के लिए जो आजकल बच्चों में एंग्जाइटी है थकान है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो हम अपनी रूटीन में अगर इसको डालेंगे स्पेशली समर सीजन, क्योंकि हमारे यहाँ तो समर सीजन ही लॉन्ग है, तो समर सीजन में इसको हम यूज़ करेंगे तो हमको एंग्जाइटी या मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, अगर विंटर में इसको कंज्यूम करते हैं तो इसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है शरीर पर? जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद के हिसाब से सीजन का बहुत महत्व है, हम सीजन पर्सन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट या औषधि आहार देते हैं, तो वैसे ही कूष्मांड को नेचर ने गर्मियों में दिया है, तो विंटर सीजन यानी कि अभी तक भी हम शरद ऋतु में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर जब विंटर्स बहुत ज़्यादा आती है तो इसको हम कम यूज़ करते हैं, या फिर इसकी प्रिपरेशन हमारे पास हैं जैसे कूष्मांड खंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेश जूस को आपको समर्स में ज़्यादा यूज़ करना। यानी जब सर्दियाँ आएंगी दिसंबर और जनवरी तब आप एशगॉर्ड का जूस ना पिए, लेकिन जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो आप ज़रूर पी सकते हैं, और मैं तो कोकोनट वाटर में मिला के पीता हूँ ताकि टेस्ट भी थोड़ा आपको ठीक लगता है। लेकिन एक और चीज़ है जो हमने 7th, 8th, 9th में बायोलॉजी में पढ़ी थी, विटामिन ए बी सी डी ई, और फिर डॉक्टर साहब ये भी पढ़ा था कि इनमें से कुछ फैट सॉल्युबल और कुछ वाटर सॉल्युबल, लेकिन पढ़ाई में नंबर लेने के बाद हम भूल गए कि प्रैक्टिकल जीवन में इसका क्या काम है, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिंस का। जो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं जैसे कि ए डी ई के, ये विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल हैं, और जो बाकी विटामिंस हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। तो जब विटामिन डी लिया जाता है तभी उसके शीशे को दूध में मिला के पिया जाता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर बॉडी से एब्जॉर्ब करना है तो हमें लिपिड सॉल्युबल वाली विटामिंस को इस तरह से लेना चाहिए। इनके विटामिंस के जो रोल हैं वो अगर हम मेंटल हेल्थ में देखें, अगर हम सिर्फ
B12 की डेफिशिएंसी या इसकी बात करें तो उसी से भी टिंगलिंग सेंसेशन, मेमोरी लॉस और हाथों में झंझनाहट, ये सब चीज़ें होने लगती है. तो विटामिंस जो जितनी भी हैं हमारे उसमें, ये इनका मेंटल हेल्थ में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है. डॉक्टर, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, तो क्या इनके बिना काम चल सकता है या लेना ज़रूरी है, हर किसी को शामिल करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदा इनसे हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हमारा व्यू है, कोई भी एक्स्ट्रा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. चाहे आप मल्टी विटामिन ही लीजिए, जैसे सर ने अभी बताया, दे आर सम वाटर सॉल्यूबल, कुछ हमारे फैट सॉल्यूबल हैं. अगर हमने फैट सॉल्यूबल विटामिन को ज़्यादा ले लिया तो हमारी बॉडी उनको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी. और हाइपर विटामिनोसिस, जो सर ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो भी एक तरह की बीमारी है जिसमें भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाइपर विटामिनोसिस, यानी अगर आपने ज़्यादा विटामिन कंज्यूम कर लिए तो कुछ ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी सिक्रीट नहीं कर पाएगी, एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी. जो वास्तव में जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन हैं वो जो बॉडी फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं वो जनरली एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं. तो जो लिपिड्स, इसीलिए हाइपर विटामिनोसिस जो है वो विटामिन डी का जो बहुत ज़्यादा लेना जो है वो कभी कभी टॉक्सिसिटी कर सकता है. जी, चलते चलते डॉक्टर साहब, हमने कुछ तो आपने बताया, लेकिन जैसे शहद की बात होती है या दूध की, और कौन सी चीज़ें जो डाइट में शामिल कर लें? अगर हमें रोज़ की डाइट में शामिल करना है तो हम घी को ज़रूर शामिल करें. मैं मेंटल हेल्थ के प्रस्पेक्टिव में घी का प्रमोट करूँगी. घी को अगर आप रोज़ अपनी डाइट में लेंगे तो आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी. और अगर स्पेसिफिकली जो लोग मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको एक साल पुराना घी ज़्यादा अपने खाने में एक आहार की तरह लेना चाहिए. तिल का सेवन कर सकते हैं. तिल एक बहुत अच्छा है जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक रिच है, आयरन रिच है. तो तिल को हम विंटर्स में, जहाँ हमारे पास थोड़ा कुशमार नहीं यूज़ करना या सफ़ेद पेठा नहीं यूज़ करना, तो हम तिल को यूज़ कर सकते हैं. सफ़ेद तिल या काला तिल? नहीं, अगर तिल की बात करें तो हम काले तिल की ही लेना चाहिए, वही ज़्यादा रिच है. सफ़ेद तिल में भी गुण है लेकिन उससे थोड़ा कम है. तो अगर मिले तो काला तिल यूज़ करिए और अपने इवन खाने में भी तिल के तेल का यूज़ हम कर सकते हैं. सब शहद, हनी, हनी भी यूज़ करना चाहिए अभी, क्योंकि जब शुगर की ज़रूरत होती है मीठे की, तो जो रिफाइंड शुगर है उसकी बजाय हम हनी को यूज़ करें, क्योंकि वो फ्रक्टोज रिच होता है, वो हमें उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि जो रिफाइंड शुगर करता है. जी. और अगर हम एंटी डिप्रेसेंट फूड्स की बात करें, अभी एक रिसेंट रिसर्च हुआ है जिसमें कि एंटी डिप्रेसेंट फूड के ऊपर बड़ा रिसर्च हुआ है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है वो, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा. तो उसमें उन्होंने कहा है कि पालक, कॉलीफ्लावर, जो गोभी है, ये ब्रोकोली है, ये बहुत सारे ऐसे लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, कैशू है, कैशू बिकॉज जिंक रिच होता है. ऐसे बहुत सारे फूड्स पे रिसर्च किया और अगर हम इनको रेगुलरली हमारे खाने में रखें या हम विटामिंस को वीक में एक बार लें, तो हम जो मानसिक स्थिति है, मानसिक बीमारियां हैं, उनसे बच सकते हैं. जी बिल्कुल, स्कूल में हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था. वक्त आ चला है कि हर कोई जब खाद्य सुरक्षा की बात करता है तो उसमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर भी बल दे. आज पोषण पे आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर शेखावत आपका और डॉक्टर शिवानी आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू. धन्यवाद.